जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, सारी संगत जी को शुक्राना, और आज श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पूर्व की सबको बधाई हो, बहुत बहुत ज़्यादा बधाई हो। जो भी अमृत वेले में उठ के आए हैं उन सबका शुक्राना, जो भी रोज़ाना लाइव देखते हैं पाठ को उनका भी शुक्राना। सब संगत जी को आवाज़ आ रही है ना मेरी, थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। मैं आज सुबह जब उठी ना, उठी क्या तो मैं सोई नहीं रात में, क्योंकि जब मुझे कहीं जाना होता है ना मैं सो ही नहीं पाती हूँ। उठ के घर से सामने ही आना था पर नींद नहीं आई, और वहाँ हमें पता चला था जब हम अमृतसर गए थे तो नेक्स्ट डे से ही वहाँ पे उत्सव शुरू हो गया था कि आज यहाँ पर श्री गुरु रामदास जी का जन्म उत्सव है। तो बहुत ही प्यारा गुरु जी ने वहाँ पर हमारे को सत्संग कराया। संगत जी, मैं इतने सालों से अमृतसर जा रही हूँ, और शायद हम हर महीने जाते थे पहले, बहुत साल हो गए हम हर महीने अमृतसर जाते थे, पर ना कभी भी ना गुरु जी ने ऐसा हमें इतनी ब्लेसिंग नहीं दी जो इस बार दी। पहले तो गुरु जी ने मुझे चंडीगढ़ भेजा संगत आंटी के यहाँ, अर्चना आंटी के यहाँ, वहाँ पर उन्होंने दरबार लगवाना था अंदर, और वहाँ पर अमृत वेला कराया। फिर हम जलंधर मंदिर गए गुरु जी के यहाँ, और वो मंदिर बंद था, लेकिन हमने बाहर से बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग ली गुरु जी की, और अंदर से हमें जल प्रसाद मिला। वो बॉटल खाली मैंने अभी तक अपने अलमीरा में संभाल के रखी है, और जैसे ही हम जाने लगे, हम इधर उधर झांक रहे थे हमें कहीं से गुरु जी के दर्शन हो जाएं, तो अचानक से एक खिड़की खुली हुई दिखाई देगी और उसमें हमें गुरु जी के त्रिमूर्ति वाला स्वरूप दिखाई दे गया, और हम उछल पड़े एकदम से। और बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम से वो मंदिर बंद है, पर गुरु जी कहते हैं ना जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ जाते ही वो कहते हैं फटाफट फटाफट करो, तो वो माता रानी उस यात्रा को ब्लेस करती हैं कि आप चढ़ाई चढ़ के आए हो 14 घंटे की। पर जैसे ही हम गुरु जी के मंदिर गए तो गुरु जी ने कहा भाई तुम आए ना जलंधर तक, जो मैं आज तक नहीं गई थी, तो मैंने तुम्हें ब्लेस कर दिया। और उसके बाद हम अमृतसर गए, तो अमृतसर जब हम पहुँचे तो रात हो चुकी थी, और सब लोगों ने हमें मार्केट में ये कहना शुरू कर दिया कि आज रात को ही ना यहाँ पे लोग सड़कों पे ही आपको सोए हुए मिलेंगे, आपको बिल्कुल जगह नहीं मिलने वाली है पैर रखने की सुबह, बस आप दर्शन कैसे भी कर लेना। तो गुरुजी ने, वाहेगुरु जी ने हमारी क्या परीक्षा ली कि हमें बिल्कुल गोल्डन टेम्पल जहाँ दरवाज़ा खुलता है, जहाँ अंदर बाबा जी को ले कर जाते हैं, उसके आगे हमें पूरी रात हमें वहाँ बिठाए रखा, बैठे रहे हम, मतलब ना हम सोए ना हम कहीं गए, बस परिक्रमा करी, लंगर प्रसाद खाया, वॉशरूम गए, और हम वहाँ दरवाजे के आगे बैठ गए, जैसे दरवाजे को देखते रहे जैसे अभी सचखंड का द्वार खुलेगा। और मुझे वहाँ पे पूरी ब्लेसिंग गुरु जी हर जगह मुझे फील हो रहे थे। फिर वहाँ पे 1 बजे सुखमनी साहिब जी का पाठ शुरू हो गया, सॉरी संगत लाइन में पाठ कर रही थी, इतना अच्छा लग रहा था कि सच में लग रहा था कि स्वर्ग में हम आ गए हैं, और पूरा लाइटों से सजा हुआ था। मुझे याद है जब मेरा बेटा 1 साल का था साहिब, तब मैं उसको लेके गई थी, तब गुरु रामदास जी का ही बर्थडे था, और मैं सब संगत को बता रही थी जो मेरे साथ थे कि ऊपर आसमान से ना इस दिन फूलों की वर्षा होती है, और पूरे एक रंग बिरंगे कागज़ गिराते हैं, और पूरे पानी के ऊपर फूल ही फूल होते हैं, और हेलीकॉप्टर से देते हैं वो, और फिर वो जत्थे आते हैं तलवारों वाले, और बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है, बहुत सुंदर होता है। पर हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, हमने वो, हमें किसी ने कहा कि नहीं, हमें नींद आ रही थी कि हम फर्श पे ही थोड़ी देर वहीं लेट गए इधर उधर होके ना, लाइन में भी हम लगे हुए थे, कोई लेटने भी नहीं दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि 2:30 बजे दरवाज़ा खुलेगा, हमने घड़ी देखते रहे, चलो 2:30, फिर किसी ने कहा 3 बजे खुलेगा, संग्रांद है चेंज हो जाता है टाइम, अब 3 बजे की इंतज़ार करते रहे, 3:15 बजे दरवाज़ा खुला, और मुझे पता था कि मैं, मुझे देखना है कि ये कैसे करते हैं, तो टीवी में और वैसे वहाँ बहुत बार देखा, क्योंकि मेरे घर में खुद गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, पर वहाँ का एक अलग ही नज़ारा होता है, तो मुझे पता था कि मैं ना फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे जाके खिड़कियों में बैठ जाऊँगी और वहाँ से पूरा नज़र आएगा, और मैंने जल्दी से जाके अपनी जगह रोक ली और मैं वहाँ जाके बैठ गई। और उन्होंने फिर कहा, हमने सोचा 4 बजे आएंगे बाबा जी को लेके, उन्होंने कहा ये 5:15 बजे आएंगे, बड़ी परीक्षा ले रहे थे, बड़ी परीक्षा गुरु जी, आँखें हमारी ऐसे बंद हो रही, क्योंकि सुबह के हम गाड़ी में निकले हुए थे और कहीं रुके नहीं थे, इतने थक गए थे। फिर मैंने, हमने फिर जो गुरु नानक देव जी के हाथ के इतने बड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी, उनके दर्शन किए, जो उन्होंने पेड़ों की कलम तोड़ के अपने हाथों से लिखा है उसको लेंस से पढ़ा जाता है, मैंने कहा चलो हमने इनके दर्शन कर लिए, अब हम बैठ नहीं सकते हैं, बहुत पेन हो रही थी बैक में, एक ही बात है वही सेम गुरु ग्रंथ साहिब जी, हम चलते हैं।
तो बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। और आज मैं ये हैरान हो गई जब मुझे सुबह सुबह याद आया कि कितनी ब्लेस्ड है दीप्ति आंटी की, आज उनके घर में आज इतने बड़े दिन पे सत्संग हुआ है। और पूरा मुझे यहाँ बैठे बैठे ना गुरु जी ने जब वो गुरु रामदास जी की जय जयकार कर रहे थे ना, तो मैं सीधी उस समय वहां पहुंची हुई थी, गोल्डन टेम्पल। पूरा वो नज़ारा मेरे सामने था कि वहां अभी क्या हो रहा होगा, ऐसे लग रहा था मैं वहीं बैठी हुई हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, आप कैसे कैसे लीला रचते हो, कैसे कैसे सेवा लेते हो, कैसे कैसे लेके जाते हो। और मुझे बहुत सारी संगत ने बोला था कि आंटी हम आपके साथ जाएंगे गोल्डन टेम्पल। जब मैं वहां गई ना, मैंने कहा पिटाई कर देनी है मेरी सबने, मैं किसी को नहीं लेके गई, पहले मुझे अकेले ही बुला लिया गुरु जी ने, तो कोई बात नहीं हम दोबारा चलेंगे। और बहुत आनंद आया, शुक्राना गुरु जी। कहते हैं जहाँ गुरु जी गद्दी लगती है, सचखंड वहीं विराजमान हो जाता है, चल के खुद भगवान आते हैं आपके घर में। और अमृत वेला में तो वैसे ही आते हैं। तो देखिए, पहले गुरुजी ने दीप्ति आंटी से चोला बनवाया, और कब से चोला बना रखा था बेचारी, रोज मुझे कहती थी मेरे घर कब सत्संग करोगे, रोज रह जाता था। तो गुरुजी पहले अपना स्थान खुद ही बना लेते हैं, अपनी चीजें खुद तैयार करते हैं वो, तो हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। नहीं भी चोला लगाओगे, स्वरूप लगा के भी आप तो सत्संग कर सकते हो, ये तो रोज ही अमृत वेला करते हैं। तो जहां पे भी आप गुरुजी गद्दी लगाते हो, जहां पाठ करते हो, अभी आपने सुना ना, जहाँ अमृत वेला होता है, जहाँ पाठ होता है, वहाँ सचखंड खुद ही विराजमान हो जाता है। पर मैंने फिर भी देखा है, जो संगत लाइव भी जुड़ी हुई है, बहुत सारे ऐसे संगत हैं जो अमृत वेला स्टार्ट करते हैं और फिर बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने कोई भी चीज़ शुरू की है ना, उसको पूरा निभाइए, खत्म कर उसको। खत्म क्या बोलो, हमारा जीवन खत्म होगा तभी ये सब हमारे साथ ही जाएगा। क्योंकि हम ना इसको बड़े अदरवाइज ले लेते हैं, इसको हम सोचते हैं चलो क्या हो गया, कौन हमें देख रहा है, हम तो अपने घर में बैठे हैं, आज नहीं उठेंगे तो क्या हो गया, कल कर लेंगे, आज आधा घंटा लेट कर लेंगे, आज 10 मिनट लेट उठ जाएंगे। और एक और बात भी है कि जो लोग घर में अमृत वेला करते हैं, एक समय में ना एक ही काम करो। मैंने अभी बहुत सारे लोगों को भी देखा है करते हुए। मैं आज ये सत्संग इसलिए भी थोड़ा सा लाइव शेयर कर रही हूँ, मुझे आज दिन में करना था शेयर, पर मुझे अंदर से पूजा आंटी ने कहा आंटी आप अपना आज वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करो, तो शायद गुरुजी का हुक्म हुआ कि मैं अभी शेयर कर देती हूँ, दिन में नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे कई संगत बोलती हैं कि आंटी जब आप अमृत वेला चलाते हो, जो ऑडियो वगैरह जो भी आप चलाते हो, तो हम ऑडियो सुनते सुनते साथ में हम अपने पाठ करने शुरू कर देते हैं जो हम रोजाना करते हैं, जैसे कोई दुर्गा चालीसा करता है, जैसे कोई अमृतवाणी करता है, जैसे कोई शिव पुराण पढ़ता है। तो कभी भी एक समय में ना दो नाव में पैर मत रखिए संगत जी, एक टाइम में एक ही नाव में पैर रखिए। अब इधर आपने रिंकू वीर जी का अमृत वेला भी सुनना है, आपने बुलबुल आंटी का लाइव भी सुनना है, आपने अपना शिव पुराण भी पढ़ना है, कहाँ जाओगे आप इतना सब कुछ लेके। समय तो दीजिए भगवान को। अब बैठे हैं जिस गुरु के सानिध्य में बैठे, उसको तो पहले सुन लो, उसकी लीव तो लगनी नहीं, आपकी लीव कभी नहीं लग सकती, कभी आपका कनेक्शन हो ही नहीं सकता। जो रोज क्वेश्चन मेरे को करते हैं आंटी हमारी लिव नहीं लगती, आंटी हमारी टेलीपैथी नहीं होती, आंटी हमारा कनेक्शन नहीं होता, आंटी क्या करे ना बताओ। आपको इतना बताते हैं, इतना बार बार गुरुजी शेयर करवाते हैं, एक समय में एक काम करो। अब आप खाना बनाते बनाते अगर सोचो कि मैं खाना बना रही हूं और मुझे इधर बच्चे को पढ़ाना भी है, उधर मुझे टीवी भी देखना है, मुझे फोन भी करना है, तो खाना कैसे अच्छा बनेगा बताओ? कभी अच्छा नहीं बनेगा। जब खाने में पूरा ध्यान लगाओगे, पूरा कॉन्सेंट्रेट करोगे, तभी तो फिर खाना अच्छा बनेगा। लेकिन अगर हम अपने भगवान की तरफ ध्यान नहीं लगा रहे और हम उस टाइम पे और चीजें कर रहे हैं, वो तो हो गया काम निपटाने वाला काम हो गया संगत जी, कि हमने बस, हमारे पास पूरा दिन में टाइम नहीं है, अब हम बड़े हमने पहाड़ तोड़े हैं, हमने अमृत वेला में उठे हैं, हमने बड़ा एहसान किया भगवान पे, एक घंटा हमने भगवान को दिया है और इस एक घंटे में हम सब कुछ कर लें, जितने पूजा पाठ हैं सारे आज ही कर लें। अरे टाइम दीजिए। इधर मैंने देखा है लाइव चल रहा होता है, उधर हाथ में गुटखा लेके सुखमनी से आपका पाठ चल रहा होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है ये। शायद आज गुरुजी ने मुझे बड़े दिन से कह रहे थे कि ये सत्संग शेयर करना है, तो प्लीज़ सुखमनी साहिब का पाठ आप दिन में कभी भी कर सकते हो। जपजी साहिब का पाठ हम लाइव चलाते हैं, सबसे पहले जपजी साहिब का पाठ सुबह करना चाहिए। दुबनी साहिब, सुखमनी साहिब कभी भी दिन में आप कर सकते हो, कोई उसमें व्यायाम नहीं है, कोई भी पाठ आप कभी भी कर सकते हो। पर जब जो पाठ करने बैठते हो ना, उसी में ध्यान लगाओ। मैं ये नहीं कहती आप हमारे साथ लाइव ही जुड़ो, आप कोई अमृत वेला ही करो। आप अगर सुखमनी साहिब का पाठ करते हो तो आप सिर्फ सुखमनी साहिब का पाठ करो, इधर कान में रीड लगा के कुछ और मत सुनते रहिए।
यहाँ कान में लीड लगी हुई है और आगे किताब पोथी रख के पढ़ रहे हो ना, तो वो समझ आ रहा है। एक अष्टपदी किससे पूछ लो, उसका मीनिंग नहीं बता सकते आप। तो चाहे एक अष्टपदी रोज पढ़िए, रिंकू वीर जी ये कहते हैं एक अष्टपदी को बार बार पढ़िए, चाहे रोज की 5 पढ़ लीजिए, पूरा नहीं कर सकते। 24 अष्टपदी है ना, 4 दिन 5 दिन में उसे खत्म कर लो, समझो उसे, समझ के करो, पढ़ के दिमाग में लेके आओ है क्या ये चीज। तो शुक्राना गुरु जी, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पर फिर भी गुरु जी जो बुलवाते हैं, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, गुरु जी बुलवाते हैं और गुरु जी इसको सत्संग बना देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मैं तो चाहती हूँ कि जो आप बुलवाना चाहते हो बुलवाते रहा करो, अब कोई बुरा माने या भला माने, कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। फिर भी मैं यही कहूँगी, किसी को बुरा भी लगाओ तो भी गुरु जी बैठे हैं, मैं क्या माफ़ी मांगूँ। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना।